गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आई विल टीच यू सब्जेक्ट ईवीएस ऑफ फोर्थ क्लास. स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर है 7 की एंड आवर चैप्टर नेम टिथ एंड टंग, पेज नंबर 26. स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के अंदर टिथ एंड टंग के बारे में जानेंगे. ओके, टिथ मतलब क्या होता है स्टूडेंट? दांत. एंड और टंग, जीभ. ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि टिथ एंड टंग का यूज आपकी बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स, आज उसके बारे में और हम जानेंगे अच्छे प्रकार से. ओके स्टूडेंट्स, देखिए, आवर टिथ आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है कि जो हमारा टिथ होता है, जो हमारे दांत होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, भाग होता है. ओके स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो हमारा टिथ है. ओके, द फंक्शंस ऑफ द टिथ आर एज फॉलोज. स्टूडेंट्स, देखिए, जो हमारे टिथ के, दांत के जो कार्य हैं, फंक्शन है, वो नीचे आपको दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है. और स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारे टिथ के, जो हमारे टिथ होते हैं, जो दांत हैं, उसके क्या कार्य हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए, फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, दे गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस. देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है, जो हमारे टिथ है वो हमारी, हमें हमारे फेस को प्रॉपर शेप देता है. स्टूडेंट्स, आपको पता है जब आपके टिथ टूट जाते हैं, जब आपके दांत टूट जाते हैं, तो आपका फेस कितना गंदा लगता है ना, आपका फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में. तो जो टिथ है, हमारे जो फेस को प्रॉपर शेप देता है, एक अच्छा शेप देता है, जिसे हमें देखने में अच्छे लगते हैं. जैसे आपकी जो ग्रैंड माँ है, ग्रैंड पा है स्टूडेंट्स, देखिए, उनके टिथ नहीं होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो उनके दांत टूट जाते हैं, तो जो उनके फेस का जो शेप है वो चेंज हो जाता है. पहले हमारा जो फेस है वो फूला हुआ रहता है, टिथ टूटने के बाद हमारा जो फेस का वो शेप है वो चेंज हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, दे हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड. स्टूडेंट्स, जो दांत है हमारे, जो हमारी टिथ है, वो हमारी हेल्प करता है फूड को बाइट करने में एंड च्यूइंग करने में. फूड को जब आप खाना खाते हैं तो आप डायरेक्ट मुंह में नहीं ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, उसके लिए आप पहले अपने बाइट्स को कट करते हो. तो जो काटने का जो काम है वो कौन करता है? दांत. आप इमेजिन कीजिए, यदि आपके पास दांत नहीं होगा, टिथ नहीं होगा, तो आप कैसे चीज़ों को काटेंगे? और काटने के बाद उसको चबाना है, च्यूइंग, चबाने, तो हम चबाएंगे कैसे? हम कैसे चबाते हैं स्टूडेंट्स? अपने दांतों की हेल्प से. चबाने के लिए हमें दांतों की नीड होती है. यदि हमारे पास दांत नहीं होगा तो हम कोई भी फूड नहीं खा सकते, उसको हम ना कट कर सकते, ना ही चबा सकते. बिना चबाए हम सीधा खाना को निगल तो सकते नहीं है. ओके स्टूडेंट, देख सकते हैं, जब जो आपकी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हैं, वो उनके जब दांत टूट जाते हैं तो वो जितने भी हार्ड चीज़ें होती हैं वो नहीं खा पाते, वो रोटी भी नहीं खा सकते, वो कोई भी चीज़ें, बहुत ही सॉफ्ट चीज़ें वो खाते हैं, इसीलिए, क्योंकि उनके पास ना दांत होता है काटने के लिए भी ना हेल्प कर सकता है, और ना ही वो चबाने में सक्षम होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे दांत है वो दे हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड. गॉट इट? थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. स्टूडेंट्स, देखिए, जो हमारा दांत होता है, टिथ जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमें क्लियर, बिल्कुल साफ बोलने में भी हमारी हेल्प करता है. देर आर मैनी वर्ड्स दैट वी कैन नॉट से विदाउट आवर टिथ. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम विदाउट टिथ क्लियरली नहीं बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे जो बोलते टाइम हमारे कई वर्ड्स में जो हमारे टिथ टच होते हैं. ओके, टिथ टच होते हैं, टिथ की हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड्स को बोलते हैं. यदि हमारे टिथ नहीं होंगे तो उस वर्ड को हम क्लियर नहीं बोल पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, और हमारे सामने वाले को, सुनने वाले को पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए, जो टिथ है हमारा किस किस में हेल्प करता है, वो हमें हमारे फेस को प्रॉपर शेप देता है, वो फूड को बाइटिंग या च्यूइंग में हेल्प करता है. एंड थर्ड स्टूडेंट्स, कि वो हमें क्लियरली बोलने में भी हमारे जो दांत है वो हेल्प करता है. ओके, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम विदाउट टिथ नहीं बोल सकते हैं. गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए,